उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। मालिक ने नौकर की बेटी से छेड़छाड़ की तो नौकर ने मालिक को फावड़े से काट डाला। पीलीभीत में 7 जनवरी को एक नेत्र सहायक का शव उसके घर के अंदर मिला था। शव बेड पर पड़ा हुआ था, उस पर रजाई भी पड़ी थी। पुलिस ने इस हत्या के पीछे चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि नेत्र सहायक की हत्या उसके नौकर ने ही की थी। नेत्र सहायक ने नौकर की बेटी के साथ छेड़खानी की थी, इस बात से वह बहुत नाराज था। इसी गुस्से में नौकर ने नेत्र सहायक के सिर पर पहले फावड़े से हमला किया था, उसके बाद आरी से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया था, फिर घर को बाहर से बंद करके मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने 2 दिन में घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी नौकर संतलाल को गांव से गिरफ्तार कर लिया, जहां उसने पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया। पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रामनगर गांव के सूर्य प्रकाश यादव देहरादून के विकास नगर स्थित अस्पताल में नेत्र सहायक थे। वह पीलीभीत में अपना घर बनवा रहे थे। सूर्य प्रकाश का शव 7 जनवरी को उनके पीलीभीत में बन रहे घर में मिला था। सूर्य प्रकाश के बेटे ने पिता की बेरहमी से हत्या करने की बात कही थी। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही थी। पुलिस को आरोपी नौकर संतराम ने बताया कि साहब के गांव आने पर मैं ही उनका खाना पीना रहना घूमना सब देखता था। उनके घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है, जहां पर मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। काफ़ी दिनों से साहब का घर बन रहा है, जिसको देखने वह अक्सर आते जाते रहते हैं। उनके न रहने पर मैं उनके घर की देखभाल करता था। अभी 3 महीने पहले साहब अपना घर देखने आए थे। उसने बताया कि मेरे घर वालों को पता रहता था कि मैं साहब के घर पर रहता हूँ। मेरी पत्नी ने मेरी बेटी को किसी काम के सिलसिले में साहब के घर भेज दिया। उस समय मैं वहाँ नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर उन्होंने मेरी बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश की। किसी तरह से मेरी बेटी वहाँ से भाग पाई। उसी दिन साहब भी वापस चले गए। मेरी बेटी ने यह बात अपनी माँ को बताई थी। इसके बाद मेरी पत्नी ने मुझे यह बात बताई। नौकर ने बताया, इसके बाद मैंने सोच लिया था कि साहब को मार दूंगा। उन्होंने मेरी बेटी के साथ इतना गंदा काम करने की कोशिश कैसे की। साहब 23 दिसंबर को अपने बेटे के साथ पीलीभीत आए तो मैंने उनको मारने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। उनका बेटा उनको छोड़कर 2 जनवरी को चला गया था। पहले तो मैंने उनका फ़ोन गायब किया। इस बीच उनके बेटे का फ़ोन आ रहा था, लेकिन मैं उसको गुमराह करता रहा। वे लोग मुझे भी फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मैं बात नहीं कर रहा था। उसने बताया, घर में काम चल रहा था, इसलिए वहां पर फावड़ा आरी सब रखा हुआ था। साहब जब 3 जनवरी की रात घर में सोने आए तो मैंने उनके कमरे में जाकर उनके सिर पर फावड़े से वार कर दिया। गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उनका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया। इसके बाद उनकी मौत हो गई। फिर मैंने उनके शव को रजाई से छुपा दिया और घर बंद करके भाग गया। उनका फोन भी बंद कर दिया था। 3 और 4 जनवरी की रात थी। देहरादून के रहने वाले व्यक्ति हैं, जिन जो यहाँ पर इनका पैतृक गांव पड़ता है उसमें ये आए हुए थे। 23 दिसंबर को ये आए थे और 3 तारीख से इन लोग इनके परिवार वाले इनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, जिसके परिवार वालों ने सूचना 7 तारीख को अगर दी थी, जिसके बाद इनका घर जो जहाँ पर ये आए हुए थे वहाँ पर ताला तोड़कर देखा गया तो उनकी डेड बॉडी 7 तारीख को मिली थी, जिसमें कि हमारी पुलिस टीम द्वारा और क्षेत्राधिकारी पूरनपुर के अंतर्गत इस चीज़ को लेकर इसमें विवेचना की जा रही थी। और इसी में दो दिन में ही इसका अनावरण किया गया है। इनके यहाँ उसी गांव का संतला नाम का व्यक्ति जो कि काम करता था, उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया 3 और 4 की रात। सर, क्या कोई वजह रही हत्या की? इसमें देखिए कि इसकी इससे जब पूछताछ की गई पकड़ने के बाद, तो इसने बताया कि पिछली बार जो व्यक्ति है मृतक है, उसके द्वारा इसकी पुत्री के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई थी, जिससे ये शुद्ध था और इसने इसमें इसकी पहले से ही इस पर कर रखी थी कि ये इसकी इस तरह की घटना कारित करनी है और 3 और 4 की रात को इसने इस घटना को अंजाम दिया।